दोस्तों, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्रेम संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आया है जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐश्वर्या राय शादीशुदा होते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल ऐश्वर्या राय आजकल एक शादीशुदा जीवन जी रही है। हालांकि शादी से पहले सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बारे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन जब ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंध गई, उसके बाद सलमान खान और ऐश की लव स्टोरी का भी अंत हो गया। लेकिन अब ऐश्वर्या राय और सलमान खान के प्रेम संबंधों का अचानक एक ऐसा राज खुलकर सामने आया है जिसने बच्चन परिवार में तूफान लाकर खड़ा कर दिया और नौबत यहां तक आ गई कि अभिषेक बच्चन का घर टूटने की कगार पर है। जी हां दोस्तों, खबरों की माने तो अभिषेक बच्चन ने तलाक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ऐश और सलमान का अफेयर किसी से छुपा नहीं है, कभी दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के अग्रेसिव नेचर की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। लेकिन एक वेबसाइट में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार ऐश्वर्या सलमान को उनकी फैमिली से अलग करना चाहती थी और यही उनके ब्रेकअप की वजह भी बताई जा रही है। हालांकि सलमान रिश्तों को लेकर काफी पॉजेसिव थे। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय को ये कभी पसंद नहीं आया कि सलमान अपने परिवार का सपोर्ट करें। ऐश को ये भी पसंद नहीं था कि सलमान अपने दोनों छोटे भाइयों के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। उन्होंने सलमान से अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन सलमान ऐसा नहीं करना चाहते थे। हालांकि सलमान ऐश से भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे। 1999 की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। करीब 2 साल तक रिश्ता चला और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। तब से अब तक दोनों साथ काम करना तो दूर, आमने सामने भी नहीं आते। ऐश्वर्या राय ने खुद दावा किया था कि उनके और सलमान के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह उनका वायलेंट बिहेवियर और फिजिकल अब्यूज था। ऐश्वर्या के मुताबिक, हमारा ब्रेकअप होने के बाद सलमान ने मुझे फोन कर बेवकूफी भरी बातें की। इतना ही नहीं, वो मेरे को-स्टार्स के साथ अफेयर को लेकर भी मुझ पर शक करता था। मैं उस वक्त अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी और इनके साथ जुड़ी थी। यहाँ तक कि सलमान ने कई बार मेरे साथ मारपीट भी की, बावजूद इसके मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सलमान का पागलपन भी दोनों के ब्रेकअप की एक बड़ी वजह बना। दरअसल सलमान कई बार आधी रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंचकर उनका दरवाजा पीटने लगते थे। एक बार तो सलमान रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। यहां तक कि वो रात 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे और उनका हाथ भी जख्मी हो गया था। सलमान ने गुस्से में बिल्डिंग से कूदने की धमकी भी दी थी। सलमान खान चाहते थे कि ऐश्वर्या उनकी शादी का कमिटमेंट करे, जबकि ऐश्वर्या सलमान की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। ऐश्वर्या उन दिनों अपने करियर के पीक पर थी और तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। यही वजह थी कि ऐश्वर्या सलमान के साथ रिलेशन को आगे नहीं ले जाना चाहती थी। जब सलमान को लगा कि ऐश्वर्या उनकी बात नहीं मानेगी तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। एक फेमस अखबार को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि मैं सलमान के शराब पीने की आदत और उसके बाद किए जाने वाले मिस बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। वो मेरे साथ वर्बल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज करता था। कई बार तो वो मेरे मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली बातें भी करता था। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग वुमेन इस तरह की बात सहन नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैंने सलमान के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, सलमान खान की इन हरकतों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।